हिंदी सिनेमा भोजपुरी सिनेमा की तरफ से मैं अभी तक 600 सिनेमा कर चुका हूँ अपने जीवन में और उसमें 100 फिल्मों की शूटिंग मैंने यूपी में की और ये शुरुआत की थी 17 साल पहले, लेकिन अब जितना महत्व दिया जा रहा है हम सिनेमाकारों को और सिनेमा वालों को बहुत अच्छा लग रहा है। आज इतने चेहरे यहाँ पर, इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, इनको एक मंच मिलाना, उत्तर प्रदेश लाना, अपनी शूटिंग छोड़कर सब लोग यहाँ पर आए, समय निकाले, सरकार उनको इतना सम्मान दे रही है, सरकार उनका हौसला अफजाई कर रही है, ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी इंडस्ट्री को बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना, ये अमाउंट एक ऐसा अमाउंट है जो सब्सिडी अमाउंट है, इससे हमारी प्रोड्यूसर्स की कभी कभी कमर सब्सिडी नहीं होता है। यहाँ पुलिस प्रशासन, हमारे डीजीपी साहब, ओडीसी साहब, I really thank you, Prime Minister, that you really take care of us. बहुत बढ़िया सर, साधुवाद आपको, समस्त हमारी इंडस्ट्री को साधुवाद। और अगेन मैं मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हमारे अमरीश अवस्थी जी को स्पेशली साधुवाद की टीम लीड में उन्होंने ये अरेंज एवरीथिंग। और खेलान साहब एंड हिज टीम, मिस्टर मुकेश जी को धन्यवाद एवरीबॉडी। आप सब देख ही रहे हैं हमारे बीच बहुत बड़े अभिनेता एक और श्री मनोज महावा जी का भी आगमन होता है। हम उनका भी गहराई से आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और अब मैं श्री दिनेश गर्ग निर्मुआ जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपने दिल की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सूचना मंत्री नीलकंठ तिवारी जी, मुख्य सचिव अवनीश जी, पुलिस महासचिव ओपी सिंह जी, स्वाति सिंह जी, मुकेश जी हमारे बोली प्रोफेसर, बड़े भैया रविकिशन जी और यहाँ उपस्थित हमारे आयुष्मान खुराना सर और पूरी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ उपस्थित है, बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का चरण स्पर्श करते हैं, आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और बहुत अच्छा लगा आज आपके यहाँ पे ये जो कार्यक्रम फिल्म बंधु के द्वारा आयोजित किया गया, ये काबिले तारीफ है, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको किया जा रहा है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अवनीश जी को, फिल्म बंधु के सभी पदाधिकारी गण को, आप लोगों ने इतने बेहतरीन तरीके से, इतने अच्छे ढंग से, इतने पारदर्शिता के साथ में कार्य किया है कि आज चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, हर इंडस्ट्री में आज उत्तर प्रदेश का नाम गूंज रहा है सभी को। और इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी ये अच्छी नीतियों का ही, उनकी अच्छी नीतियों के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। और आज जो भी चर्चाएं हुई है उन चर्चाओं के विषय में फिल्म बंधु हमारे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये फिल्म बंधु आज जो कुछ कर रहा है और भी बेहतर करेगा और चौतरफा उत्तर प्रदेश और फिल्म बंधु और उत्तर प्रदेश सरकार की जय जयकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करेंगे सुविख्यात निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और मिस्टर इंडिया के कैलेंडर श्री सतीश कौशिक जी को कि वो आए और अपने दिल के उद्यान।
नमस्कार। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, सूचना मंत्री नितिन तिवारी जी, मुख्य सचिव अपनी सरस्वती जी, मेरे भाई पुलिस महाशय महासचिव मुख्य सिंह साहब, जिनका नाम भी मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरी शूटिंग की वजह से उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से संभव हो पाएगी। स्वाति सिंह जी, जितेंद्र जी, मुकेश जी, फिल्म बंधु के सारे लोग, स्पेशली दिनेश शेखर जी जो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, जब भी कोई मदद मांगने के लिए उनके पास आए तो पूरी सूचना के साथ ये हमेशा हम तैयार खड़े होते हैं। मेरे बड़े भाई गोरी कपूर जी और इंडस्ट्री से अनिल शर्मा जी, मेरे छोटे भाई रवि किशन जी, अनंत राय साहब, रूपी जाफरी, हिमांशु शर्मा, कमाल के राइटर हैं वो, राहुल मित्रा जी, मनोज बाबा जी, छोटा भैया निरुआ, आयुष्मान राणा भाई और मेरे सारे इंडस्ट्री के कोलीग और यहाँ के पत्रकार और लखनऊ वासियों, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने फिर बंधु ने किए आयोजन किया, ये बहुत ही कमाल का है जी। और मुख्य मंत्री जी आपको बताएं कि इससे पहले हम इतनी बड़ी चर्चा कर चुके हैं और सारे विषय जो है डिस्कस कर चुके हैं, तारीफें इसलिए से पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश क्या स्टेट है, ये तो अब जानी मानी बात है और तभी उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिल चुका है, नेशनल अवार्ड जिसे कहा जाता है। क्या हमको यहाँ सहूलियतें मिलती हैं, सब लोग बता चुके हैं, यहाँ के कलाकार कितने अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश माना जाता है कला के लिए, कल्चर के लिए, लखनऊ में एक्टर्स की कोई कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है। मैं तो खुद अपना करियर लखनऊ से शुरू किया था क्योंकि मैंने जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अध्ययन किया, एक्टिंग का कोर्स किया, तो मैं अपना पहला नाटक जो है वो लखनऊ में ही करने आया था, वो पहला नाटक मैंने लखनऊ में किया तो हमने सब विषय यहाँ पर कर लिए और ये भी कहा कि ये चीजें होनी चाहिए जो अमरीश अवस्थी जी को बताया गया। और कई जैसे हमारा एग्जीबिशन सेंटर, जिसके लिए मैंने सबसे बड़ी बात की कि हमारी पिक्चरें तो बनती है लेकिन पिक्चर दिखाने के लिए हमारे पास थिएटरों की जो है उत्तर प्रदेश में बहुत कमी है, बल्कि जितने थिएटर थे सर उससे भी एक्चुअली अभी आधा हो गए, वो हमारे लिए थोड़ी सी वो है क्योंकि आज हमारी फिल्मों का जो कलेक्शन है वो सिर्फ 200 300 400 करोड़ नहीं हो सकता, वो 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा स्टेट। तो ये सब बातें हो चुकी हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आज का दिन जो है ये हम सब कलाकारों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, बम्बई के लोगों के लिए, लखनऊ के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि फिल्म बंधु जो है वो एक रास्ता दिखाया फिल्म बंधु ने। अब तो हर स्टेट जो है वो यूपी की बराबरी कर रहा है, अभी हमारे हरियाणा स्टेट में भी एक्चुअली फिल्म पॉलिसी अनाउंस की गई है कि यूपी में फिल्म पॉलिसी है तो हरियाणा स्टेट में भी होनी चाहिए और जो यहाँ पे सुविधाएं मिलती है और किसी स्टेट में नहीं मिलती। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के आप इतना इंटरेस्ट लेते हो और कला को इतना समय प्रदान करते हैं, आज भी आपका आना बड़ा इम्पोर्टेंट और महत्व रखता है इतने विशेषज्ञ के बाद कि हम सबके सामने आप आके यहाँ पर विराजमान हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत प्यार है लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और हम सब उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे, ये हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान खुराना हमारे बीच में और हमसे मुखातिब रहा, ये कैसे हो सकता है, उन्होंने जब गीत गाया तो अपनी आवाज का दीवाना बना लिया और किसी भी किरदार के माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया को अपने अभिनय का दीवाना बनाया। बहुत ही आदर के साथ श्री आयुष्मान खुराना जी से हम निवेदन करेंगे कि आए और अपने दिल की बात करें। श्रोता को नमस्कार, माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम। जितने भी यहाँ पर हिंदी सिनेमा के नाम आप बैठे हैं सदा रहे भाग्यवान बंदे का नाम आयुष्मान। हमारे जितने भी यहाँ से पेड़ दूर हो रहे थे गलियाबाद
बाकी राज्यों में वो मौका मिल नहीं पाता आपको। और ये मेरी तीसरी फिल्म है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, पहली बड़ी बर्फी थी, दूसरी ड्रीम गर्ल, जो भी बालाजी ने फिल्म से शूट की है, आशीष जी यहाँ पर बैठे हैं, और अब अनुभव सिन्हा साहब के साथ शूट करें आर्टिकल 15, उसके बाद अगली फिल्म जो है वो भी यहाँ पर होने, और उससे अगले भी यहाँ पर ही होने वाली। खाली एक ही बताइए, 2 करोड़ दिया उसको, बाकी बता नहीं करना। 4 पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के अजय राय जी, नील बटा सन्नाटा के लिए। शिवदेवी फिल्म्स प्रोडक्शन के रवि कुमार निवेदिया जी, मैं हूं एक राज फिल्म के लिए। कृष्णा दीप इंटरटेन
मेरी माया यादव मोहब्बत फिल्म के लिए। अपनी गालियों से इन सभी लोगों को ये एहसास तो कराइए कि वो उत्तर प्रदेश आए और फिल्म बनाए। आप उनके साथ हैं स्वर्ग फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रेरणा वाधवान इश्किरिया। इंडोविजन मीडिया से अमिताभ त्रिपाठी और राजेश त्रिपाठी बबुआ। ब्रजराज फिल्म से श्रीमती कामिनी बेन कर्ण भाई पटेल और बबलू राज। माई के अजरवा बाबू जी के दुलार। स्वर्ग फिल्म प्राइवेट लिमिटेड की प्रेरणा वाधवान इश्केरिया। और फिर ब्रजराज फिल्म्स की श्रीमती कामिनी बेन कर्ण भाई पटेल बबलू राय। फिल्म में माई के अजरवा बाबू जी के दुलार। और उसके बाद नीलकंठ इंटरप्राइजेस से जनक मेहता दास संधि बेबी डॉट कॉम। इन 14 फिल्मों को फिल्म बंधु द्वारा अनुदान। और अब सभी का अभिनंदन जो लोग आए हैं अतिथि के रूप में। मैं नाम जल्दी से ले लें जिससे आप यथाशीघ्र मंच पर आ जाएं। स्क्रिप्ट राइटर श्री विपुल रावत। श्री विपुल रावत जी स्क्रिप्ट राइटर, गीतकार और गायक श्री मनोज मुंतशिर जी। पटकथा लेखक श्री रूबी जाफरी जी। पटकथा लेखक श्री हिमांशु शर्मा जी। फिल्म निर्माता श्री विनोद बच्चन जी। फिल्म निर्माता श्री आशीष त्रिभा जी। फिल्म निर्माता श्री खेमचंद भटनानी जी। फिल्म निर्माता श्री राहुल मित्रा जी। सीईओ बालाजी मोशन पिक्चर्स श्री आशीष सिंह जी। निर्माता मूवी श्री दीपक मुकुंद जी। सह निर्माता श्री करी खान जी। संगीत निर्देशक श्री बालकृष्ण जी। अभिनेता श्री दिनेश लाल यादव जी नंदवा जी। अभिनेता श्री रवि किशन जी। फिल्म निर्माता और निर्देशक
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। परिवर्तन के 23 माह उत्तर प्रदेश के बदलते सपनों की कहानी, उत्तर प्रदेश के विकास का गीत, उत्तर प्रदेश की नवीन संभावनाओं की गाथा है। विकास और सुशासन के स्वर्णिम अध्याय का आरंभ हुआ। सबको सुरक्षा, सबको स्थान, सबका साथ, सबका विकास बनी उत्तर प्रदेश की पहचान। एक ग्रुप फोटो के लिए कहा जाता है, सबको सुरक्षा, सबको स्थान, सबका साथ, सबका विकास, ये बनी उत्तर प्रदेश की पहचान। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पी, हम सब के प्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत ही आदर के साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने मार्गदर्शन और आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। कार्यक्रम में उपस्थित सुविख्यात फिल्म निर्माता श्री बोनी कपूर जी, सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री रवि किशन जी, श्री आयुष्मान खुराना जी, अभिनेता एवं फिल्म निर्माता श्री सतीश कौशिक जी, सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्माता श्री दिनेश लाल यादव और पुण्य रोहा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित फिल्म बंधु के सचिव श्री शिशिर जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए, हिंदी भोजपुरी अवधि या बुंदेलखंडी, इन सभी से जुड़े हुए सभी निर्माता और अभिनेतागण, और उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सबका अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश में आप सब ने फिल्म निर्माण की दिशा से इस भूमि को चुना, और उत्तर प्रदेश ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए जो अपनी नीति बनाई थी, उस नीति को हाथों हाथ लेकर के आपने उसे जो गति दी है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ। आप सब के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश देश का हर पांचवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है, और ये मान करके चलें कि इससे बड़ा बाजार आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। किसी भी क्षेत्र का आप देखें तो उस पर अपने आप में इतनी बड़ी आबादी, 23 करोड़ की आबादी, और हर प्रकार की परिस्थितियां यहां पर देखने को मिलेंगे। स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, हेरिटेज टूरिज्म का हो, इको टूरिज्म का हो, टूरिज्म के जितने भी आयाम हो सकते हैं वे उत्तर प्रदेश के अलग 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 क्षेत्रों में आप सबको देखने को मिलेंगे। और मुझे आप सब से बातचीत करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए इसलिए भी प्रसन्नता हो रही है कि अभी 4 फरवरी को हम लोगों ने मानवता के सबसे बड़े समागम प्रयागराज कुंभ के आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। प्रयागराज कुंभ में पहली बार 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने
सहभागिता की और उन लोगों ने प्रयागराज के संगम में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। जिसने भी प्रयागराज कुंभ के बारे में सुना होगा, आया नहीं होगा, जरूर पश्चाताप कर रहा होगा कि उससे चूक हुई है। और मुझे लगता है कि आपके पास एक अवसर है कि प्रयागराज कुंभ पर एक जोरदार फिल्म आप बनाएंगे तो देश में और दुनिया में बहुत 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 हिट होने वाली है। समाज की आवश्यकता क्या है, अगर हम उसके अनुरूप पटकथा लिखते हैं और उसके अनुरूप फिल्म बनाते हैं तो लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं। समाज की आवश्यकता के अनुरूप, और जो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश उन परिस्थितियों से गुजरा है, यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं, यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं, यहाँ पर देश की स्वाधीनता आंदोलन में या हर सुधारवादी आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका, उत्तर प्रदेश की विभूतियों के द्वारा देश और दुनिया के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में किया गया योगदान, किसी भी एक पक्ष को लेकर के जब भी आप आगे कार्य करेंगे, मुझे लगता है कि वह सफलता तो उसमें मिलनी ही मिलनी है। और मुझे लगता है उस सफलता में आप सबकी बड़ी भूमिका हो सकती है। मैं फिल्म उद्योग से जुड़े हुए आप सभी जो यहाँ पर प्रोड्यूसर आए हैं, राइटर आए हैं, या फिर यहाँ पर जो एक्टर आए हैं, उन सब का इसलिए भी अभिनंदन करता हूँ कि प्रयागराज कुंभ के आयोजन और इसको जो इतनी हाइप मिली है, इतना इसका व्यापक प्रचार हुआ है। मैं केवल देश के अंदर एक जगह कार्यक्रम में गया था और वह गया था मुंबई में, और मुंबई में भी वहाँ पर फिल्म के प्रोड्यूसर थे, एक्टर थे, राइटर थे, ये सभी लोग वहाँ पर थे। उन लोगों ने वह कार्यक्रम किया था और जी टीवी ने उस कार्यक्रम को वहाँ आयोजित किया था। मुझे उस कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने लोगों के भाव देखे थे और मैं मान करके चला था कि जहाँ पर देश की कलाकारों के द्वारा कुंभ के प्रति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के प्रति ये भाव हो तो प्रयागराज कुंभ तो सफलता की नई ऊंचाइयों को जरूर प्राप्त करेगा। और मैं आप सबके सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में जो योजना रचना हुई कि पहली बार 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए, पूरा आयोजन कुशलतापूर्वक सुरक्षित संपन्न हुआ, स्वच्छता का, सुरक्षा का एक नया संदेश उत्तर प्रदेश ने देश और दुनिया के सामने दिया। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर आज हम लोगों ने तमाम उन फिल्मों को जो उत्तर प्रदेश में बनी हैं, उन लोगों को जो अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मिलना था, वह भी समय पर सेवनी सवस्ती जी के नेतृत्व में यहाँ पर आज प्रदान किया जा रहा है। नहीं तो होता है, सरकारें पॉलिसी बनाती हैं और पॉलिसी बनाने के बाद लोग भूल जाते हैं, लोग चक्कर काटते हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जो हम लोगों ने अपनी पॉलिसी के अंदर जो प्रावधान किए हैं, समयबद्ध ढंग से उस प्रावधान और उसकी जो सब्सिडी या जो अनुदान दिया जाना है, उस समयबद्ध ढंग से दिया भी जाना चाहिए। फिल्मों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है समाज को जागरूकता पैदा करने में, और उस बड़े रोल के लिए आप सबको तैयार करना होगा। वास्तव में हम सब का अपना जीवन जो भी है, व्यक्ति कितना अपने लिए जिएगा, कुछ उसके लिए समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने देश के लिए भी तो जीना चाहिए। मैं बीच में देख रहा था, एक दिन मैंने यहाँ पर अपने सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को मैंने कहा, भी देखो एक कोई फिल्म आई है उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, मैंने कहा उसको देखो सभी लोग, और मैं अपने गवर्नर साहब को भी ले गया था उसमें दिखाने के लिए। आप देखें कितने, हर मुझे लगता है कि कोई विधायक मेरे पास आता है कि हमारे यहाँ ये कार्य नहीं हुआ, हम उसके कार्य को स्वीकृत कर देते हैं, वो द्वारा धन्यवाद देने के लिए नहीं आता। लेकिन जब उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म मैंने विधायकों को दिखाई, मंत्रियों को दिखाई, तो वे सब के सब मुझे कई कई बार धन्यवाद देने के लिए आए, साहब आपने बहुत अच्छी चीज़ हमें दिखा दी। आप देखें कोई विधायक आता है हमारे पास कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं, हमारे यहाँ सड़क नहीं, हम उसको स्वीकृत करते हैं 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ तक,
और मैं देखता हूं द्वारा वो धन्यवाद भी नहीं देता। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक पर इस फिल्म को दिखाने के बाद कोई विधायक और कोई मंत्री ऐसा नहीं था जो मुझे धन्यवाद देने के लिए ना आया। साहब आपने बहुत अच्छी चीज हमें दिखाई है कि देश के लिए कार्य करने वाले और कला का वो अभिनव, यानी जो अभिनेता वहां उसमें एक्टिंग कर रहा है, उसने किस जोरदार तरीके से उस अभिनव को वहां पर प्रस्तुत किया है, प्रत्येक देश के जज्बे को हिला देता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबका दायित्व तो बनता है अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी परंपरा के लिए। ये सारी चीजें तभी हैं जब हम सब हैं, जब सब कुछ सुरक्षा का वातावरण होगा तो ही तो होगा। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एक सुरक्षा की दृष्टि से हमारे DGP साहब यहां पे स्वयं मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी फिल्में बनेंगी, डरने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। यहां पे तो अब अपराधी जो यहां के पेशेवर माफिया हैं, वे अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं, साहब ठेला लगा करके भरण पोषण करेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं और किसी को मारेंगे भी नहीं। उत्तर प्रदेश में सब ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी और फिल्में जो अच्छी बनेंगी व्यापक जागरूकता का कारण बनेंगी, उनको तो विशेष रूप से हम प्रोत्साहित करेंगे। कितना बड़ा जागरूकता का कार्यक्रम आपके माध्यम से हो सकता है, द टॉयलेट प्रेम कथा की जो फिल्म बनी थी, हम लोगों ने उसको SC ST में यहाँ पे टैक्स जो उसका था उसमें हम लोगों ने उस फ्री टैक्स फ्री भी किया था। इसी बात को लेकर के कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की। ये स्वच्छ भारत मिशन केवल एक नारा नहीं है, एक केवल सरकार के द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना नहीं, स्वच्छता उसके पीछे का एक महत्वपूर्ण अभियान है, लेकिन आम जन को हम स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक कर सकें और नारी गरिमा का सम्मान भी कर सकें। गांव में आप देखेंगे, मुझे याद है वो 2014 के पहले गांव में हम जाते थे, गांव की सड़कें गंदी रहती थी, महिलाओं को नित्य क्रिया के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। और स्वच्छ भारत मिशन ने उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 2,60,00,000 परिवारों को एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराया है और लोगों को इसके प्रति व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम इसके माध्यम से पैदा हुआ, व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम। इससे दो फायदे हुए, एक हर परिवार के पास अपना टॉयलेट है, दूसरा नारी गरिमा का सम्मान हुआ है, और तीसरा स्वास्थ्य का खर्चा लोगों का कम हुआ है। आंकड़े मैंने विभिन्न क्षेत्रों में जो आंकड़े एकत्र किए विगत एक वर्ष के अंदर, पूरी एक टीम लगा करके, मेरा यह मानना है कि इतने प्रयास भर से लगभग 35-40% लोगों का दवा का खर्चा कम हुआ है। यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, एक फिल्म इसमें कितनी बड़ी जागरूकता पैदा कर सकती है आप अनुमान कर सकते हैं। एक गरीब जो बीमार पड़ता है, हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, गोरखपुर बस्ती, ये जो कमिश्नरी है, तराई की जो का जो क्षेत्र है, इसमें एक बीमारी होती है इंसेफ्लाइटिस की। मैं विगत 40 वर्षों से इस बीमारी से प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों की मौतों को देखता था और हम लोग केवल मौतें गिनते थे। मैं स्वयं पिछले 20 वर्षों से इसके खिलाफ आंदोलन करता था, सड़क से लेकर संसद तक बड़े बड़े आंदोलन करता था, लेकिन 2017 में मुझे ही मुख्यमंत्री बना दिया प्रदेश का। अब मेरे सामने चुनौती थी कैसे इसका समाधान करें। मैंने विभिन्न विभागों को बुलाया, 20 वर्षों का वो अनुभव भी मेरे पास था, जो विभिन्न विशेषज्ञों के साथ बैठ करके आंदोलन करके उन क्षेत्रों का भ्रमण करके एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे थे कि बीमारी का कारण क्या है, और अगर बीमारी है और उसका कारण है तो उसका समाधान भी होगा। मैंने यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, महिला और बाल विकास, बेसिक शिक्षा,
इन सभी को मिलाकर के मैंने एक टीम बनाई और मैंने कभी चरणबद्ध तरीके से एक अभियान चलना चाहिए। मैं वहां जाऊंगा, हमारे मंत्रीगण वहां जाएंगे, अधिकारीगण जाएंगे और हम व्यापक अभियान उन क्षेत्रों में चलाएंगे। सबसे पहला ध्यान हम लोगों ने स्वच्छता पर ही दिया था, गांव की सड़कें साफ सुथरी हों, सड़कें शहर हो या गांव साफ सुथरी हों, पेयजल की व्यवस्था हो, प्रॉपर ड्रेनेज और सीवर की व्यवस्था हो, छिड़काव की व्यवस्था हो। पहला चरण स्वच्छता के साथ, दूसरा पेयजल के साथ, पेयजल की आपूर्ति इन क्षेत्रों में हो, अच्छी पेयजल की व्यवस्था हो। तीसरा, हम लोगों ने चिकित्सालयों की व्यवस्था को विस्तारने का कार्य किया। चौथा, जागरूकता के विशेष अभियान चलाए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को ला करके उस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। 1978 से लेकर के 2017 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्रमुख मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसमें प्रतिवर्ष 500 से 700 मरीज अगस्त महीने में, एक महीने में भर्ती होते थे और 125 से लेकर 150 तक मौतें होती थी। ये सब बच्चे मरते थे, एक साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे। और इस टीम भावना के साथ स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल और व्यापक जागरूकता का परिणाम क्या रहा, जब विगत वर्ष हमने आंकड़े निकाले वहां के, तो जहां 500 से 700 मरीज भर्ती होते थे वहां पे केवल 86 मरीज भर्ती हुए थे। जहां 150 तक मौतें होती थी, विगत वर्ष मात्र 6 मौत हुई है। कितने आंकड़े हम कम कर सकते हैं, कितनी अमूल्य जिंदगियों को हम बचा सकते हैं। और कैसे पायलट एक प्रेम कथा, ये फिल्म इसमें बड़ा रोल अदा कर सकता है, लोगों को टॉयलेट बनाने, टॉयलेट का उपयोग करने, स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने। सामान्यतः लोगों को बुरा शब्द लगता होगा टॉयलेट, लेकिन कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है उसकी पृष्ठभूमि में आप जाकर के देखेंगे। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में हो सकता है। मुझे याद है कि कितनी बड़ी व्यापक जागरूकता हम ला सकते हैं। अयोध्या बहुत सारे लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लगता है, अयोध्या का नाम सुनते बहुत सारे लोगों में भय भी पैदा हो जाता है। लेकिन लोगों ने मुझसे पूछा, जब मैं मुख्यमंत्री बना, पहला वर्ष चल रहा था, मुझसे पूछा गया हमारे अधिकारियों ने कि दीपावली के दिन आप कहाँ रहेंगे, तो मैंने कहा दीपावली मैं पिछले 12-15 वर्षों से वनवासी बच्चों के बीच में मनाता हूँ, मैं उन्हीं के बीच में काम करूँगा और वहीं जाऊँगा। तो मुझसे पूछा गया कि क्या अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण आपसे मिल सकते हैं, मैंने कहा मैं उस दिन लखनऊ में रहूँगा ही नहीं, लखनऊ से बाहर रहूँगा, किसी वनवासी क्षेत्र के बच्चों के साथ में मेरे कार्यक्रम होंगे। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैं दीपावली के दिन वहाँ रहूँगा, लेकिन दीपावली के एक दिन पहले तो कार्यक्रम हो सकता है, और दीपावली का आयोजन भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन के स्मृति में मनाया जाता है। तो मैंने सेवनीश कुमार अवस्थी जी से कहा, मैंने कहा आप एक बार थोड़ा अयोध्या जाकर के देखें कि अयोध्या में कैसे दीपावली होती है। ये लोग गए, उन्होंने कहा कि वैसे कोई सामान्य रूप है, कोई बहुत भव्यता नहीं है। फिर मैंने भेजा, मैंने कहा इनसे पूछो कि अगर मैं वहां पर आऊं तो लोग सब उस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। तो ये लोग गए, उन्होंने कहा कि लोगों में बड़ी खुशी है, कार्य योजना बनानी चाहिए। हमने कहा भी दीपावली ने पूरे देश को अयोध्या से प्रेरणा ली है दीपावली मनाने की, और हम भव्य दीपावली अगर अयोध्या में एक दिन पहले मनाएंगे तो दीपावली लोग अपने यहाँ अपने घरों में उसी भव्यता के साथ मनाएंगे। आपको याद होगा 2017 का दीपावली का आयोजन अयोध्या में दीपोत्सव के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पर तैयार किया। भगवान राम पुष्पक विमान से आ रहे हैं, उनके आगमन, उनके अभिनंदन का कार्यक्रम दीपोत्सव के माध्यम से एक नई प्रेरणा लोगों में, स्वच्छता का विशाल आयोजन। उसका परिणाम क्या था, उसके कुछ ही महीनों के बाद हमारे पास सबसे पहला डेलीगेशन आया कोरिया का, और कोरिया ने कहा कि साहब आज से 2000 वर्ष पहले हमारी जो दादी माँ थी ना, वह अयोध्या की राजकुमारी थी, और हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू करना चाहते हैं कि उस ये अयोध्या हमें मिल गई है, हम उनके नाम पर एक स्मारक वहां बनाना चाहते हैं। और इस वर्ष जब हम लोगों ने 2018 में दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में दीपावली के एक दिन पहले किया, तो कोरिया की
फर्स्ट लेडी अपने पूरे एक डेलीगेशन के साथ, कई मंत्रियों के साथ में अयोध्या स्वयं पधारी थी और उस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के बड़ी प्रफुल्लित हो रही थी। उन्होंने कहा कि आखिर इतना स्वागत क्यों हमारा किया गया। मैंने कहा भी स्वागत करना तो ये हमारी संस्कृति, अतिथि देवो भव, यह हमारा संस्कार है। और फिर आपका तो ननिहाल है अयोध्या, ननिहाल में तो सबका स्वागत होता ही होता है। बहुत खुश थे लोग, बहुत खुश थे। कितनी खुशी उनकी, यानी उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, कितना उन लोगों के अंदर आनंद का भाव था। कैसे हम अपनी फिल्मों के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को, और फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। आज हिंदी दुनिया के अंदर पहुंची है तो फिल्मों का योगदान है, हिंदी फिल्मों का योगदान है, उसमें बहुत बड़ा रोल है फिल्मों का। देश के अंदर दक्षिण भारत में जहां व्यापक पैमाने पर विरोध होता था हिंदी का, फिल्मों ने वहां भी हिंदी पहुंचा दी, दुनिया में पहुंचा दी। इस राष्ट्र की एकात्मता में बड़ा रोल हो सकता है फिल्मों का। और जो मैंने पहले भी कहा कि यहां पर धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं बहुत समृद्ध हैं, यहां पर हमारे पास पुरातात्विक परंपराएं भी बहुत समृद्ध हैं, हमारे पास इको टूरिज्म का भी एक विस्तृत क्षेत्र है, हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में चलने वाले उस विराट यज्ञ में भी आहुति देने वाले वीरों और वीरांगनाओं की एक लंबी परंपरा है। अभी मणिकर्णिका जो फिल्म बनी है, मणिकर्णिका आपके आज भी, उनका जन्म हमारे काशी में ही होता है और मणिकर्णिका घाट आज भी काशी में है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा होती है वाराणसी में और बाद में आगे कर्म भूमि बनाती है झांसी में। आज के वर्तमान के युग के नवयुवकों को बहुत बड़ी प्रेरणा आप इन फिल्मों के माध्यम से दे सकते हैं। और मैं यही आश्वासन आपको दे सकता हूं कि फिल्मों को बनाने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी सरकार इसमें भरपूर सपोर्ट आप सबको यहां पर प्रदान करेगी। हर प्रकार की सुरक्षा, हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह तत्पर है, हर प्रकार का हर संभव सहयोग करेगी। मैं आप सबका इसके लिए अभिनंदन करूंगा और मैं खास तौर पर अपने इन सभी कलाकारों का, मंच पर हैं, मुझे याद है जब मैं यहाँ मुख्यमंत्री बना था, श्री बोनी कपूर जी यहाँ पर आए थे, उत्तर प्रदेश से उनका भावनात्मक रिश्ता है, उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश से अपना संबंध उसी रूप में आज भी बनाए रखा है, वही सहजता, वही सरलता और उत्तर प्रदेश के प्रति वही भाव। सतीश कौशिक जी, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि लखनऊ के साथ उनका क्या रिश्ता है, ये भावनात्मक रिश्ते। रवि किशन जी बहुत बड़े कलाकार हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने 100 से अधिक फिल्में केवल उत्तर प्रदेश के अंदर की। श्री दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ उत्तर प्रदेश का ही कलाकार है। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान इन कलाकारों पर गौरव की अनुभूति करता है, आप सभी कलाकारों पर सचमुच। और मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पॉलिसी के अंदर आप सबको हर प्रकार का सुरक्षा सुविधा हमेशा प्रदान करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। आप उत्तर प्रदेश में आइए, अलग अलग विषयों को लेकर के अच्छी और रचनात्मक फिल्मों का निर्माण करिए जो आज की युवा पीढ़ी को और वर्तमान समाज को एक नई दिशा दे सके और उत्तर प्रदेश देश के अंदर समृद्धि के जिस पथ पर आगे बढ़ा है वह हरेक नागरिक उसका अनुसरण कर सके। आप सबको हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और अब बारी है स्मृति चिन्ह प्रदान करने की। मैं श्री बोनी कपूर जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय श्री नीलकंठ तिवारी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री सतीश कौशिक जी से हम अनुरोध करेंगे कि हम सबकी ओर से माननीय श्रीमती स्वाति सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और श्री रवि किशन जी से अनुरोध करेंगे कि हम सबकी ओर से